डोंगरगढ़ धर्म नगरी में ऊपर मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर जाने के लिए जल्द ही दूसरा आधुनिक उड़न खटोला चालू होगा। डोंगरगढ़ मां बम्लेश्वरी ने बनवाया सुंदर उड़न खटोला। इस गीत को गायक प्रेम बालाघाटी ने धर्म नगरी में ऊपर पहाड़ी पर विराजित मां बम्लेश्वरी देवी के दरबार में लगे उड़न खटोले के लिए सालों पहले गाया था। समय ना तो प्रेम बालाघाटी को ना ही मां के दर्शन को आने वाले दर्शनार्थियों को और ना ही धर्मनगरी के वासियों को यह पता था कि मां बम्लेश्वरी देवी की कृपा ऐसी होगी कि एक ही जगह पर दो दो उड़न खटोले भक्तों की सेवा में मां के दरबार में लगेंगे। धर्मनगरी में कलकत्ता की कंपनी व नगर पालिका की संयुक्त साझेदारी से संचालित एक उड़न खटोले के बाद बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के द्वारा कलकत्ता की ही दूसरी कंपनी के द्वारा उसी उड़न खटोले से कुछ दूरी पर आधुनिक उड़न खटोले का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ रुपये है। उड़न खटोले में 14 ट्रॉली लगाई जा रही है, जिसमें एक घंटे में 600 दर्शनार्थी ऊपर माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर दर्शन के लिए जा सकेंगे। यह उड़न खटोले को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत बनाया जा रहा है। उड़न खटोले की एक ट्राली में 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है तथा एक ही समय में एक साथ 14 ट्रालियों का संचालन किया जाएगा और इस उड़न खटोले से एक घंटे में 600 दर्शनार्थियों को मां के दर्शन करवाया जा सकेगा। वहीं मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति के मंत्री नवनीत तिवारी ने बताया कि लाखों दर्शनार्थियों की सुविधा को देखते हुए 10 करोड़ की लागत से रोपवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका कार्य अंतिम चरण में है। इसमें 600 दर्शनार्थियों के बैठने की सुविधा है। माँ बम्लेश्वरी मंदिर आने वाले लाखों दर्शनार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए करीब 10 करोड़ की लागत से माँ बम्लेश्वरी ट्रस्ट के द्वारा रोपवे का निर्माण कार्य प्रारंभ है, जो अंतिम चरण में है और अगले माह तक इसका लोकार्पण जो है वो हो जाएगा और माता के भक्तजनों को एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सुविधा, बेहतर सुविधा आधुनिक ढंग से मिल सकेगी, जिसमें एक घंटे में 600 पैसेंजर ऊपर माता के दर्शन के लिए जा सकेंगे, जिसका अगले माह तक लोकार्पण कर दिया जाएगा। CNI न्यूज़ डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा बंटी की रिपोर्ट। जगदलपुर आज एक बार फिर बस्तर पुलिस ने 4 लाख के गांजा समेत 3 आरोपी एवं एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया है। पुलिस अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई से यह सफलता मिली है। आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने इसे ओडिशा से बिहार की ओर ले जाना स्वीकार किया है। गांजा तस्करों पर कार्यवाही के बावजूद पुलिस सवालों के घेरे में। बस्तर से लगे पड़ोसी राज्य ओडिशा में गांजे की बंपर खेती की जाती है। इस मादक पदार्थ को तस्कर ओडिशा से बस्तर के रास्ते देश के अलग अलग राज्यों में ले जाकर महंगे दामों में बेचते हैं। गांजा तस्करों पर बस्तर पुलिस लगातार कार्यवाही करती है और इसमें सफलता भी प्राप्त करती है, पर सवाल यह उठता है कि तस्करों पर कठोर कार्यवाही के बावजूद तस्करों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है और वे दिन रात बस्तर के रास्ते से बेखौफ गांजा तस्करी में लगे हुए हैं। आज की कार्यवाही बस्तर चौकी द्वारा की गई है और यहाँ तक पहुँचने में तस्करों को सीमावर्ती थानों के अलावा शहर के भी थाने लांघने पड़े होंगे। ऐसे में शहर व आसपास के थानों की कार्यवाही संदिग्ध नजर आती है। कई बार सूत्रों से यह जानकारी भी मिलती रही है कि बस्तर से होकर गुजरने वाले इन गांजा तस्करों की अंदरूनी तौर पर मदद भी की जाती रही है। अब देखना होगा कि जब बस्तर के पुलिस कप्तान बदल गए हैं तो क्या पुलिस की रणनीति गांजा तस्करों के खिलाफ बदल पाएगी। CNI न्यूज जगदलपुर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। सुकमा पुलिस नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख का नक्सली मारा गया। पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार DRG और नक्सली की मुठभेड़ में 1 लाख का नक्सली मड़कम हिडमा मारा गया है। पुलिस ने मौके से 2 देसी हथियार जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि की है। SP के मुताबिक सर्चिंग पर निकली DRG की टीम पर नक्सलियों ने फायर कर दिया। जवानों ने मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों के बीच कई राउंड की फायरिंग के बाद फोर्स को भारी पड़ता देख माओवादी मौके से भागने में कामयाब रहे। इस दौरान फायरिंग में एक नक्सली मारा गया। घटनास्थल से 2 हथियार के साथ नक्सलियों के सामान बरामद हुए हैं। मारा गया नक्सली मड़कम हिडमा RPC अध्यक्ष था। हिडमा कई बड़ी वारदातों में शामिल था। भेजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीरापट्टी गांव के पास जंगलों में हमको नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी। सूचना पर हमारे DRG का बल कल शाम को रवाना किया गया था। आज सुबह सुबह जब वो लोग इलाके की सर्चिंग कर रहे थे तो नक्सलियों ने फायरिंग की और हम लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई की।
जवाबी कार्रवाई के बाद इलाके की सर्च करने पर हम लोगों को एक नक्सली की डेड बॉडी मिली। उसकी पहचान जब करवाई गई तो पता चला कि वो उस इलाके का आरपीसी अध्यक्ष है, जिसका नाम मड़कम हिड़मा है और इसके ऊपर 1,00,000 का इनाम था। साथ ही साथ 2 देसी हथियार भी हमको वहाँ से लाया। जो पार्टी अभी लौट चुकी है, कैंप पार्टियाँ रास्ते में लौट रही हैं, अभी लौटी नहीं, लौटने के बाद और डिटेल्स हम देखते हैं। CNI न्यूज़ सुकमा से वासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। बलौदाबाजार पुस्तकों के साथ शासकीय रिकॉर्डों को जलाया। बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा विभाग की स्थिति को सुधार करने अनेक योजनाएं संचालित कर रहे हैं, ताकि शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी गणवेश और पढ़ने लिखने पाठ्य पुस्तक मिल सके। लेकिन इन योजनाओं को पलीता लगाने में उनके ही विभाग के लापरवाह शिक्षकों व जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत विधानसभा बिलाईगढ़ की, जहां शासकीय अवकाश यानी रविवार के दिन भी ईओ ऑफिस के समीप लगे लगभग 200 मीटर की दूरी में स्थित पूर्व माध्यमिक शाला टिकरीपारा के बने अतिरिक्त भवन के पीछे एक शिक्षक और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा कक्षा 1 से लेकर 5वीं, 6वीं व अन्य शासकीय पुस्तकों के साथ कई ज्ञानवर्धक पुस्तक तथा शासकीय रिकॉर्डों की जानकारियों सहित और अन्य रिकॉर्डों को आग से जलाकर नष्ट किया जा रहा था, जिसकी जानकारी हमारी टीम को मिली। वहीं मौके पर टीम पहुंचकर जला रहे पूरी वारदात को अपने कैमरे में कैद कर लिया। कवरेज के दौरान वहां उपस्थित शिक्षक और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से इस पूरी वारदात की जानकारी ली गई। दोनों ने इसकी जानकारी बच्चों के लिए बैठने की कमी होने की जानकारी व अतिरिक्त भवन में पड़े पुराने सामानों का सड़ने से वहां सर्प और बिच्छू जैसे जहरीले जंतुओं के निकलने और बच्चों के साथ कोई अनहोनी न हो की हवाले देकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को एक लिखित शिकायत कर संज्ञान में डाल नष्ट करने की जानकारी दी गई। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा कि शाला प्रबंधन समिति के निर्णय से आग लगाकर नष्ट किया जा रहा है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी PK शर्मा ने बताया कि वहां पूर्व से पड़े सामानों व रद्दियों को हटाकर किसी दूसरे स्थान में रखा गया है और अवकाश के दिन ही पुस्तकों और शासकीय दस्तावेजों को आग में जलाकर नष्ट करने की अनुमति नहीं ली गई है और वहां रखे गणवेश की जानकारी भी मुझे नहीं दी गई थी, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब मेरे संज्ञान में आने के बाद मैं जाँच कर शिक्षक और शाला प्रबंधन समिति के प्रति कड़ी कार्यवाही करूँगा। आपको बता दे, जलाकर नष्ट कर रहे सामानों में पुस्तकों के साथ शासकीय रिकॉर्डों को जलते पाया गया है। इन जलाए जा रहे शासकीय रिकॉर्डों में 2001 से लेकर 2010 तक के गणवेश वितरण करने की रिकॉर्ड, निजीस्का लो में 25% सिंटों पर प्रवेश बच्चों की सूची की रिकॉर्ड तथा शिक्षक कर्मचारी की जानकारी की रिकॉर्ड और इनके अलावा और कई अन्य रिकॉर्डों की जानकारी व सूचियों को आग में जलाकर नष्ट किया गया। इस तरह के रिकॉर्ड जलाए जाने से और कई नए रिकॉर्ड को जलाए जाने की भी आशंका जताई जा रही है, जो एक जांच का भी शय है और निश्चित रूप से जांच करने पर कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। गौरतलब विगत वर्ष में भी गणवेश को हेरा फेरी कर बेचने के उद्देश्य से पिकअप वाहन में भरकर ले जाते गणवेश को पहले भी 2 बार पिकअप के साथ गणवेश को जब्त किया गया था, जिस पर भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी, केवल जाँच के नाम पर खानापूर्ति किया गया था, जिसका मुद्दा शिक्षक से बने विधायक चंद्रदेव राय ने विधानसभा के प्रश्नकाल में बखूबी उठाया था। मुद्दा उठने के बाद गणवेश में घोटाला करने व हेरा फेरी करने की जांच तथा उसमें दोषी पाए जाने वाले अधिकारी कर्मचारी पर कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि अब इस तरह के मामला सामने आने के बाद विधायक द्वारा जाँच कर इसमें लिप्त अधिकारी कर्मचारी पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की बात कर रही है। ऐसे में अब देखना लाजमी होगा कि किस तरह की कार्यवाही की जाएगी। सर, शासकीय अवकाश का दिन था, ऐसे में पूर्व माध्यमिक शाला टिकरीपारा के से बने अतिरिक्त भवन के पीछे शासकीय पुस्तकों के साथ शासकीय रिकॉर्डों को जलाने का मामला सामने आया था। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के टीचर्स हैं हमारे, मेरे पास आए थे और हमारे क्योंकि रिकॉर्ड पुराना रिकॉर्ड वहाँ पर रखा हुआ था, उसको मैंने दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा दिया था और जो दीमक लगे हुए कागजात वहाँ पे थे, उसके लिए मैंने उनसे ये कहा था कि आप लोग इसको सुरक्षित आप लोग रखें। मैंने जलाने का कोई उनको निर्देश नहीं दिया था। सर, वही बच्चों को बांटे जाने वाले गणवेश और रद्दी सामान भवन में रखा था, क्यों और कब से रखा है? नहीं, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पूर्व में और मुझे अभी इस कार्यालय में 5 महीना हो रहा है कार्यभार ग्रहण किया है और इस संबंध में जो है जो गणवेश की बात है, गणवेश वहाँ पे
क्यों रखा हुआ है, इस संबंध में मुझे यहाँ रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, इसकी भी जानकारी मुझे नहीं दी गई। सर, जलाने वाले शिक्षक और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा नष्ट करने का निर्देश दिया गया, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, नष्ट करने का मैंने कोई उनको निर्देश नहीं दिया है। जो पूरा जो कागजात जो है पूरे जो पुराने हैं, एकदम पुराने हैं, जो सही थे उन कागजात को मैंने अपने अलग जो है उसको मैंने रखवाया है, और जो दीमक लगे हुए कागजात हैं उसको मैंने साफ करके, अगर मान लो कोई अच्छा और उसमें होता है तो उसको सुरक्षित रखते हैं, और इस संबंध में मुझे जैसे जला रहे हैं तो इस संबंध में मुझे कोई उन्होंने जानकारी नहीं दी। सर, अवकाश के ही दिन सभी पालन पालन में जलाया जा रहा था, ऐसा क्यों? अब इस संबंध में मुझे कोई भी जानकारी, जलाना है या नहीं जलाना है, क्या करना है, मुझसे कोई मार्गदर्शन उनके द्वारा नहीं लिया गया। सर, जलाने वाले शिक्षक और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जो थे उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अभी जो है इसको मैं संज्ञान में लिया हूँ, और इन्होंने क्यों उसको जो रिकॉर्ड है उसको जलाया है, इस संबंध में मैं कार्रवाई करूँगा। आप इस शाला समिति के अध्यक्ष हैं क्या? जी। क्या नाम है आपका? यज्ञ कुमार सिंह। अच्छा, यहाँ पर कुछ पुस्तकों को आग के हवाले किया जा रहा था, और बता रहे हैं सामने वाले कि शाला समिति की वो निर्देश पे ही जलाया जा रहा है, क्या कहते हैं आप? हाँ, शाला समिति क्योंकि हमने पिछले साल ही स्कूल नया खुला है पहली और छठवीं का, तो इसके संबंध में कई बार जो बैठक व्यवस्था के संबंध में कई बार बीओ साहब का अवगत कराया गया, लिखित और मौखिक दोनों। बीओ साहब अपने जो सामान है उनको हटवा लीजिए बच्चों के, क्योंकि भविष्य का सवाल है, बैठने की व्यवस्था भी नहीं है और सांप निकल रहे हैं। पिछले बार मैंने स्वयं देखा था सांप थे, क्योंकि दीमक लगा हुआ है कमरों के अंदर में, जो पुस्तकें हैं पड़ी हुई हैं और जो कपड़े पड़े हुए हैं, तो कुछ तो अपना सामान ले गए और कुछ अभी सामान नहीं ले गए, तो कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं और जो बिल्कुल रद्दी है जो सड़ गया वो सामान छोड़ दिए हैं। तो शाला विकास समिति की मीटिंग करके 1 जुलाई को मीटिंग किया गया था, तो उसमें बीओ साहब का फिर गए थे, बीओ साहब ने कहा था कि उसको आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से यदि चाहें तो डिस्ट्राय कर सकते हैं, शाला विकास समिति इसके लिए सक्षम है। अच्छा, क्या उन्होंने आदेश दिया था कि सामानों को आग के हवाले किया जाए? नहीं, आग के हवाले किया जाए ऐसा कोई उन्होंने मतलब नहीं कहा है, लेकिन यह है कि डिस्ट्राय मतलब आप हटा सकते हैं, वहाँ पर साफ सफाई कर सकते हैं, क्योंकि दीमक लगा हुआ है और सांप बिच्छी यदि उसमें निकल रहे हैं तो निश्चित है उसको फेंकने पर फिर भी कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है, इस कारण उसको जलाया गया। आपके आने के बाद जो है आपके स्कूल के पीछे में आग के हवाले किया हुआ है काफ़ी सारे पुस्तकें। हाँ, और यहाँ पर यह भी देखा गया कि पुराने बच्चों का गड़बड़ जो पड़ा हुआ है जी, उसमें भी दीमक वगैरह लगी है, कब से पड़ी है? गड़बड़ के संबंध में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि गड़बड़ पिछले साल अपन जब यहाँ स्कूल खुली तो देखे तो गड़बड़ रखा हुआ था, तो ये गड़बड़ इसके पूर्व का होगा। उसमें कई सारे ऐसे भी कागज है जो रिकॉर्ड पर रखी जा सकती थी, लेकिन उसको भी आग के हवाले किया जा रहा था, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, तो इसमें अधिकारी जो इनको अपना जो अच्छा समझे, जो उनके लायक समझे, उसको उन्होंने हटा लिया है, और जो बिल्कुल सड़ गया था उसको छोड़ दिया है। अब छोड़ दिया है तो अब इसका तात्पर्य यही है कि उसमें अब दीमक पकड़ रहे हैं, कमरा को साफ करना बच्चों को बैठने के लिए, और सांप बिच्छू हट जाए इसके उसके भविष्य बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसको सब जलाया गया है। जो बुक रखा गया है वो कौन सा क्लास का है, कब का है? बुक सामान्य बुक है, अपन क्लास किस क्लास का है इसको नहीं बता पाएंगे। देखिए, ये तो बहुत आपने मुझे बताया और मेरी संज्ञान में जब आपने इस बात को लाया है, निश्चित ही आज छुट्टी के दिन है, ऐसी क्या आफत आ पड़ी कि आज के दिन आप पूरी पुस्तकों को, चाहे पुरानी पुस्तक हो, नई पुस्तक हो या कोई भी दस्तावेज हो, जलाने से पूर्व अनुमति ली जाती है, विभाग से शुरू किए जाते हैं, उसके बाद जलाई जाती है। फिर वर्किंग डे अलग बात है, अब छुट्टी के दिन में अगर जलाया जा रहा है, मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा है कि इस बात को लेकर के 3 दिन पूर्व मैंने विधानसभा में एक बड़ा प्रश्न लगाया था कि 6 माह पूर्व यहाँ 7,500 गड़वेश की जब्ती बनाई गई थी और विभाग द्वारा कार्रवाई भी की गई थी, और वही जिला विकास खंड शिक्षा अधिकारी शर्मा जी ने मुझे बताया कि 15,000 गड़वेश पुरानी 2013-14, 15-16, 17-18 की गड़वेश है, अभी भी डम पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं विभाग का एक बड़ा मामला है कि 15,000 गरीब बच्चे के कपड़े जिनको वितरण कर देनी थी, इस वितरण को लेकर तुम बड़ी पैमाने में भ्रष्टाचार हुई है, बड़ी पैमाने में शिकायतें हुई है, बड़ी पैमाने में घोटाले हुई है, और ये इसको डम करके रखना और आज आपने जलाने की बात की जा रही है। मुझे तो अंदेशा इस बात की कि कहीं गड़वेश को ना जलाया जा रहा हो। मैं आपने अगर मेरी बात को संज्ञान में लेके आया है, मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया है और विधानसभा प्रश्न में आसंदी ने आदेश भी किया है और माननीय शिक्षा मंत्री ने भी आदेशित किया कि हम जांच करा के कार्रवाई करेंगे। तो अगर जो भी इस मामले में संलिप्त पाए जाएंगे, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, संलिप्त कोई भी हो, उस सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब आपने जलाने की बात की गई तो इस जलाने की प्रक्रिया की भी हमने जांच कराने की मांग आज ही करते हैं आपके इस मीडिया के माध्यम से, क्योंकि संडे रविवार की छुट्टी के दिन आनन फानन में अगर इस प्रकार से जलाने की बात हो रही है तो निश्चित ये
नियम विरुद्ध है और इस प्रकार की घटना घटित नहीं होना चाहिए। और हमें तो अभी विभाग से हम जानकारी अर्जित करेंगे कि ऐसा क्या मामला इतना वो हो गया कि आप आनन फानन में पूरी दस्तावेजों को, पूरी रिकॉर्डों को, सब चीज़ को इस प्रकार से जलाया जा रहा है, ये गलत है। सरकार चाहती है कि अच्छा हो, वातावरण अच्छी निर्मित हो, स्कूल अच्छी संचालित हो, बच्चे, गरीब बच्चे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून का पालन हो, जिसके तहत इस बार 12वीं तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अध्यापन की व्यवस्था सरकार ने की है। इस साल 9वीं क्लास के बच्चे जो पहले जीरो से पहले क्लास से 8 क्लास तक अनिवार्य शिक्षा थी शिक्षा का अधिकार अधिनियम में, इस बार 9 क्लास से शुरू हो रही है, मतलब 12वीं तक ये चलेगी। ये सरकार की एक अच्छी सोच, अच्छी परिकल्पनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ के आशय के साथ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रही है, परिकल्पनाओं के साथ आगे बढ़ रही है और एक अच्छा दिखने को मिल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से विभाग ने लचर व्यवस्था की है, अनियमितताएँ प्रदर्शित कर रही है, इसलिए जाँच का विषय है। हम बात करेंगे और जाँच भी कराएंगे और कार्रवाई भी होगी। सर, यहाँ कुछ शासकीय रिकॉर्ड्स भी जलाए जा रहे हैं, तो क्या उचित है रिकॉर्ड्स को जलाना? मैंने कहा ना कि आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, ऐसी क्या स्थिति निर्मित हो गई कि आप बड़े पैमाने में पूरे दस्तावेजों को जलाई जा रही है? इसकी एक नियम है कि आप अनुमति लोगे, रिकॉर्ड व तालिका होगी, आप उसकी नोटिस लगाओगे और इतने लोगों को आप जलाने की जब बात करोगे, रद्दी में डालने की बात होगी, तो एक बड़ी अव्यवस्थाएं निर्मित हो रही है। हम पूरी व्यवस्था को दिखाएंगे, जांच भी कराएंगे, अगर दोषी पाए जाए तो कार्रवाई भी कराएंगे। सर, विगत दिनों जो है ड्रेस की जो बेचने के मामले भी सामने आई थी और उस पर भी अभी तक किसी प्रकार की कुछ कार्रवाई नहीं, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी तो हमने इसके पहले लाइन में कहा है, विधानसभा का बड़ा प्रश्न है, और विधानसभा में जो प्रश्न होती है, मंत्री जी ने खुद निर्देश दिया, आसंदी के आदेश पर निर्देश किया है कि ये गणवेश घोटालों की जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाइयाँ होगी। आप देखते रहिए जांच कैसी होती है और कार्रवाई क्या होती है। अब मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ, निष्पक्ष जांच होगी, कार्रवाइयाँ भी होगी। यहाँ किसके कहने पर यहाँ शासकीय स्कूलों के डॉक्यूमेंट्स और पुस्तकें वगैरह जो है वो जलाई जा रही है? जी, ये जो सामान है यहाँ, चूँकि यहाँ पिछले साल से इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है बी ऑफिस के आदेशानुसार, और यहाँ पिछले साल क्लास 1 और क्लास 6 का क्लास जो है चल रहा था, और इस साल जो है क्लास 2 और क्लास 7 यानी 4 क्लासेस चल रही थी, और बैठक जो सिर्फ कमरे 2 थे। इस मैटर में हमने पिछले साल भी जो बी ऑफिसर साहब थे उनको भी लिखित रूप से समस्या का अवगत कराया था, और इस वर्ष भी हम लोगों ने जो है बी ओ सर से समस्या को बताया था, उनके सामने रखी थी, लिखित रूप में रखी थी, मौखिक में, लिखित में भी रखी थी। उनको हमने बताया था कि बच्चों को बैठने की समस्या है और उसका जो है आप समाधान किसी तरह से कीजिए। इस मैटर में हमने शाला विकास समिति की भी बैठक रखी थी, उनमें भी सब सहमति बना करके शाला विकास समिति के अध्यक्ष और पूरी समिति जो भी सर से मुलाकात की थी, और हमने लिखित लेटर भी दिया था कि यहाँ कुछ समस्या है, जैसे कि बैठक व्यवस्था, शिक्षक की समस्या और पेयजल की समस्या, इस मैटर को आप जो है जल्दी समाधान करेंगे तो बच्चों के लिए भी हमारे लिए काम करने में मदद होगा। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि क्या नष्ट करने के लिए वो बी ओ साहब बोले थे क्या आग लगाना चाह रहा पुस्तकों को? तो हमने 2-3 बार मौखिक में भी और लिखित में भी लेटर दिए थे, तो उन्होंने जो है अपना जो सामान है वो यहाँ से कुछ सामान जो थी ऑफिस में उनका जो है, क्योंकि आप सामान जो है बी ओ ऑफिस का था, और जो सामान थी वो सब सामान को वो लोग जो है अपना जो है पैकेट बना करके अपनी दूसरी जगह शिफ्ट किए, और इसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें बची हुई थी जो दियार खा चुका था और वहाँ से सांप बिच्छू निकल रहे थे, इस मैटर में बताया था कि सांप भी निकला है, खतरा है करके, तो सामान को लेके गए और जो है बचे हुए थे उसको किसी तरह से शाला विकास समिति की सलाह से जो है आप जो है डिस्ट्रॉय जैसे सेटल करना चाहते हो इस तरह से आप करोगे, सफाई करोगे। अच्छा, उसको नष्ट कर आग लगा करके नष्ट करने के लिए बोले थे? आग लगा के नष्ट करने के बारे में स्पष्ट वैसे नहीं बोले थे, लेकिन आप डिस्ट्रॉय जो है अभी आप लोग क्या कर रहे थे तो पीछे में? अभी जो दियार था, दियार खाया हुआ जो सामान थी जिसमें बहुत सारे कार्टून के सामान थे और जो है पुराने जो फाइल वगैरह थे, जो दियार भी बहुत सारे खा चुके दबे हुए थे, एक आधा फीट लगभग दियार है उसमें नीचे में, तो उसको हम जो है सफाई करा रहे हैं ताकि बच्चे वहाँ बैठेगा। सफाई करा रहे थे तो आग कौन लगाया है? आग जो है हम शाला विकास समिति से चर्चा करके इसके बारे में सेटल किया था कि उसको भाई इधर करके थोड़ा सेटल कर देते हैं करके। तो सेटल करने के बजाय आप लोग आग क्यों लगाए? देखिए, उसको रखने का हमारे पास जगह नहीं था क्योंकि पूरा कचड़ा था। अच्छा, मतलब आप अपने हिसाब से उसको आग लगा रहे थे? शाला विकास समिति के सहमति से हम लोग काम कर रहे थे। वहाँ को ड्रेस भी मिला है उसके बारे में? जी, वो ड्रेस जो है
वहाँ अंदर में था, वो ड्रेस जो बी ऑफिस का है जिसको कब, कब से पड़ा था यहाँ ड्रेस? वो ड्रेस जो है जब से हम स्कूल खुले हैं वो अंदर में था, हमें पता नहीं था कि वो ड्रेस अंदर में इतने सारे पड़े हुए थे। जो चीज़ें थी हमने उसको जो है माने वो लोग निकाल कर ले गए, जो बची थी वो कितना दिनों से पड़ा था ड्रेस? देखिए हम पिछले साल से यहाँ काम कर रहे हैं और जहाँ तक जा रहे हैं पिछले साल से, उसके पहले था कि नहीं हमें नहीं पता। ड्रेस को अब तक के रखा क्यों गया, बांटा क्यों नहीं गया बच्चों को? ये इसका जो आप बीओ साहब देंगे कि यहाँ ड्रेस था उसको क्यों नहीं बांटा गया? आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम दयान दवांगन है और मैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अभी इंचार्ज काम कर रहा हूँ। CNI न्यूज बलौदाबाजार से प्रदीप देवांगन की रिपोर्ट। जालौर लापता मनोहर राजपुरोहित का विधानसभा सचिव को ज्ञापन सौंपा। जालौर आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने 22 जुलाई को विधानसभा जयपुर में 295 के अंतर्गत विधानसभा की कार्यवाही स्थगन करके लापता मनोहर राजपुरोहित नेत्रा सुमेरपुर के लिए विधानसभा सचिव को ज्ञापन सौंपकर अपनी बात रखी। दरअसल 23 नवंबर 2016 को फालना विद्यालय की छुट्टी के पश्चात छात्र मनोहर सिंह पुत्र प्रकाश सिंह लापता है। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था जिसकी आज दिन तक कोई खोज खबर नहीं है, प्रशासन द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। 33 महीने बीतने के बावजूद पुलिस प्रशासन हाथ में हाथ धरे हुए बैठे हैं। माता पिता व परिवार जन द्वारा अनेक प्रयास किए गए परंतु वे सब नाकाफी साबित हुए। माता पिता व परिवार जन का कहना है कि बड़े स्तर की कमेटी बनाकर इसकी जांच करे, वह दोषी को सख्त से सख्त सजा दे, वह हमारा बच्चा हमें लौटाए। CNI न्यूज जालौर से उम्मीद सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। जालौर बंदूक की नोक पर बाइक व मोबाइल लूटा। जालौर देलदरी गांव के एक युवक को बंदूक से फायर कर बाइक व मोबाइल को अज्ञात लोगों द्वारा ले जाने का मामला रामसिंह पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। देलदरी निवासी विक्रम सिंह ने बताया कि देलदरी निवासी गुमान सिंह पुत्र डूंगर सिंह राजपूत रविवार रात्रि को करीब 11 बजे अपनी बाइक लेकर मांडोलीनगर से अपने घर देलदरी के लिए रवाना होकर जा रहा था कि मांडोलीनगर के पास गोगाजी मंदिर के नजदीक सामने से आ रही सफेद रंग की गाड़ी में सवार चार लोगों ने बाइक को ओवरटेक करते हुए बाइक के आगे पीछे करके मेरी बाइक को रुकवाया और आगे जाने का रास्ता पूछा और गाड़ी में पीछे बैठे दो लोगों ने नीचे उतरकर मेरी कान पर बंदूक तान दी और मुझे डरा धमकाकर मेरे पास से मोबाइल लिया। उसके बाद मेरी बाइक के लात मारकर मुझे नीचे गिरा दिया। तब जैसे ही मैं खड़ा हुआ कि वे दोनों लोग मेरी बाइक व मोबाइल लेकर गाड़ी समेत रवाना हो गए। इस दरमियान उस गाड़ी पर नंबर प्लेट पर नंबर नहीं थे और सुमेरगढ़ खेड़ा की तरफ से आ रहे। बाइक को रुकवाया तो मेरा परिचित मांडोलीनगर निवासी चेलाराम पुत्र चोलाजी देवासी ने मेरा सहयोग कर मैं व मेरा परिचित चेलाराम ने मिलकर बाइक व गाड़ी का पीछा किया तो कुछ ही दूरी पर गाड़ी व बाइक को ले जाते हुए देखा और मेरी बाइक को चला रहे दो युवकों में से पीछे बैठे युवक के शर्ट को पकड़ा तो उन्होंने हवा में बंदूक से फायर किया तो मैं घबराहट से सीधे रामसिंह थाने में आकर आप बीती बताई तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। CNI न्यूज जालौर से उम्मीद सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। देपालपुर गौतमपुरा में शराब बेचने वालों पर कार्रवाई। देपालपुर गौतमपुरा पुलिस अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में रविवार रात अरुण गुर्जर गौतमपुरा पर बिना लाइसेंस अवैध शराब बेचने पर धारा 34-2 के तहत कार्यवाही की गई। उसके पास से 28,000 रुपये कीमत की 8 पेटी शराब जब्त की गई। इसी प्रकार एक महिला सुमित्रा बागरी पर भी केस दर्ज किया गया। उसके घर से 18,000 रुपये की शराब जब्त की गई। बताया जाता है कि आरोपित किसी बिचौलियों के जरिए भील बडोली गांव के लाइसेंसी ठेकेदार दीपक जायसवाल के यहां से शराब लाता था। CNI न्यूज देपालपुर से राहुल राठौर की रिपोर्ट। हम है आपका विश्वास, हम है आपकी आवाज, हम जरिया है आपकी भावनाओं का, हम है आपका भरोसा। खबर से लेकर असर तक हम दिखाते हैं पूरी खबर। हम है CNI न्यूज़।